साथियों, स्टार्टअप्स के जरिए भारतीय युवा ग्लोबल प्रॉब्लम्स के समाधान में भी अपना योगदान दे रहे हैं। आज हम एक युवा मयूर पाटिल से बात करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने का प्रयास किया है। मयूर जी नमस्ते। नमस्ते सर जी। मयूर जी आप कैसे हैं? बस बढ़िया सर, आप कैसे हो? मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अच्छा मुझे बताइए कि आज आप कुछ स्टार्टअप की दुनिया में हैं हाँ जी और बेस्ट में से बेस्ट भी कर रहे हैं, हाँ जी एनवायरनमेंट का भी कर रहे हैं। थोड़ा मुझे अपने बारे में बताइए कि काम के बारे में बताइए और इस काम के पीछे आपको विचार कहाँ से आया? तो जब कॉलेज में था तभी मेरे पास मोटरसाइकिल था जिसका माइलेज बहुत कम था और एमिशन बहुत ज्यादा था। वो टू स्ट्रोक मोटरसाइकिल था, तो एमिशन कम करने के लिए और उसका माइलेज थोड़ा बढ़ाने के लिए मैंने कोशिश चालू किया था कुछ 2011-12 में। और उसका मैंने करीब करीब 62 किलोमीटर पर लीटर तक माइलेज बढ़ा दिया था। तो वहां से मुझे ये प्रेरणा मिली कि कुछ ऐसा चीज बनाएं जो मास प्रोडक्शन कर सकते हैं तो बाकी बहुत सारे लोगों को उसका फायदा होगा। तो 2017-18 में हम लोगों ने उसका टेक्नोलॉजी डेवलप किया और रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में हम लोगों ने 10 बसेस में वो यूज किया उसका रिजल्ट चेक करने के लिए। और करीब करीब हम लोगों ने उसका 40% एमिशन उसका कम कर दिया बसेस में। अब ये टेक्नोलॉजी जो आपने खोजी है उसका पेटेंट वगैरह करवा लिया हाँ जी, पेटेंट हो गया, ये साल में ही हमें पेटेंट ग्रांट होके आ गया। और आगे इसको बढ़ाने का क्या प्लान है आपका? किस प्रकार से कर रहे हैं? जैसे बस का रिजल्ट आ गया, उसके भी सारी चीजें बाहर आ गई होगी, तो आगे क्या सोच रहे हैं? सर, स्टार्टअप इंडिया के अंदर नीति आयोग से अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो है वहां से हमें ग्रांट मिला और वो ग्रांट के बेसिस पे हम लोगों ने अभी फैक्ट्री चालू किया जहाँ पे हम एयर फिल्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते तो हैं। भारत सरकार की तरफ से कितना ग्रांट मिला आपको? 90 लाख। 90 लाख। हाँ और जी उससे आपका काम चल गया? हाँ, अभी तो चालू हो गया है, प्रोसेस में है। आप कितने दोस्त मिलकर के कर रहे हैं सब? हम लोग 4 लोग हैं सर। और चारों पहले साथ में ही पढ़ते थे और उसी में से आपको एक विचार आया आगे बढ़ने का? हाँ जी हाँ जी, हम कॉलेज में ही थे तो कॉलेज में हम लोगों ने ये सब सोचा और ये मेरा आइडिया था कि मेरा मोटरसाइकिल का एटलीस्ट पॉल्यूशन कम हो जाए और माइलेज बढ़ जाए। अच्छा, पॉल्यूशन कम करते हैं, माइलेज बढ़ाते हैं, तो एवरेज खर्च कितना बचता होगा? सर, मोटरसाइकिल पे हम लोगों ने टेस्ट किया, उसका माइलेज होता 25 किलोमीटर पर लीटर, वो हम लोगों ने बढ़ा दिया 39 किलोमीटर पर लीटर। तो करीब करीब 14 किलोमीटर का फायदा हुआ और उसमें से 40% का कार्बन एमिशन कम हो गया। और जब बसेस पे किया रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में तो वहां पे 10% फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज हुआ और उसमें भी 35-40% एमिशन कम हो गया। मयूर मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके साथियों को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए कि कॉलेज लाइफ में खुद की जो समस्या थी उस समस्या का समाधान भी आपने खोजा और अब उस समाधान में से जो रास्ता चुना उसने पर्यावरण की समस्या को एड्रेस करने के लिए आपने बीड़ा उठाया। और ये हमारे देश के युवाओं का ये सामर्थ्य ही है कि कोई भी बड़ी चुनौती उठा लेते हैं और रास्ते खोज रहे हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।